बच्चे टीचर्स का रिगार्ड करना है वो भूल गए, थोड़ा सा कुछ कहते हाथ तक पकड़ लेते। ऐसा तो कुछ नहीं है, पर आजकल पेरेंट्स की जो साइको ये है कि बच्चे को सबसे पहले जो एडमिशन करवाने आते हैं ना, तो उनकी सबसे पहले ये कि मेरा बच्चा फुल फैसिलिटी में रहे, एसी रूम्स हों, क्लास रूम्स हों, बढ़िया फर्नीचर हो, मूवी वगैरह की व्यवस्था हो, ऐसा है। बाकी उससे कुछ नहीं है, वो तो टीचिंग टीचर के पढ़ाने पर मैथड पर उस पर निर्भर करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि फैसिलिटी से सब कुछ होता है। नहीं नहीं, इससे तो घटा ही है। हर बच्चे के छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में होगी कि मैडम फैल तो कर नहीं सकती, सर फैल तो कर नहीं सकते हैं, तो एकदम एक तरह का जो भय है उनके दिमाग से निकल गया। तो उनके दिमाग में जब एट बोर्ड भी आया तो उनकी रहती है अरे पढ़े तो ठीक है, नहीं है, खास करके बॉयज़ में होता है, गर्ल्स तो फिर भी लगी रहती है कि नहीं पढ़ना है, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा नहीं अपने ऊपर, पास तो सभी को करेंगे। इसमें सिर्फ ओनली इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो ये निगाह करते हैं कि भाई मुझे A+ लाना है, वो ही बच्चे निगरानी रखते हैं, बाकी बच्चों को इससे तो एजुकेशन स्तर हमारे हिसाब से तो गिरा है। तो टीचर्स की तो एक तरह से शर्मिंदगी महसूस होती है, टीचर्स को तो बोलने में घबराने लग गए टीचर। कुल मिला के ये है कि गवर्नमेंट ने इतनी उनको वो फैसिलिटी दे दी बच्चों को, हर बच्चे मैन प्रेस पे पेपर पे आता है, सब जानकार आजकल मूवी से टीवी से पेपर से कि भाई हमें मार नहीं सकते, तो जो बदमाश बच्चे हैं उसका कुछ फ़ायदा अलग उठाते हैं, वो पढ़ाई पे ध्यान भी नहीं देते हैं, डिसिप्लिन में भी नहीं रहते हैं। कोई ज़्यादा तो खैर नहीं है, बाकी फिर भी है दुष्प्रभाव। तो जैसे बच्चा टीचर्स क्लास में ध्यान नहीं देता इतना कि मेरे कोचिंग पे आ जाना, पढ़ाई कर लेना, वहाँ कर लेना, तो पेरेंट्स लाइक करते हैं उस चीज़ को, हालांकि उसमें दुरुपयोग धन का ज़्यादा होता है, फीस जमा कराओ स्कूल में, जबकि हमने तो टीचर अपॉइंट कर रखा है, फुल फ़ायदा लो बच्चे उससे, अच्छी तरह समझो आराम से। तो हम लोग तो मतलब गाइड नहीं करते हैं बच्चे को कि आप लोग ट्यूशन करो, क्यों यहाँ हो रहा है ट्यूशन, जैसे पढ़ाई हो रही है आपकी, नेक्स्ट डे घर जा करके उसको सॉल्व करो, नेक्स्ट डे आके टीचर से पूछो, टीचर्स मना थोड़ी करते हैं। पर आजकल लाइक को हो गया, पेरेंट्स भी यही चीज़ लाइक करते हैं, मेरा बच्चा ट्यूशन जाए, एक फैशन सा हो गया। बिल्कुल, कहाँ गया आपका बच्चा, ट्यूशन गया है, कोचिंग गया है। मैं अच्छा रिस्पांस आएगा, बढ़िया कुछ लेके आ रहे हैं अनमोल भैया, तो बच्चों को सिखाने में वही बच्चे जो इस तरीके से कि भाई हमें मार नहीं पीट नहीं सकते, उनको ही समझाएंगे इस तरीके से कि बेटा ये भय गवर्नमेंट ने तो तुम्हारा दूर किया, बाकी तुम्हारा करियर खराब होगा, थोड़ा सा आपके करियर बनाने के लिए ही टीचर्स आपको डांटता है।